दर्शन करें मनुवाधान की टेकरी पे, आप देख सकते हैं इस वक्त का जो माहौल है, वो गुफा है जहाँ बच्ची की लाश को पत्थर मार के उसको मार दिया गया। साथ ही साथ सूचना ये भी आ रही है कि पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, उसके जो सीनियर जो उसके साथ पढ़ते थे बच्चे थे उन्होंने उसके साथ मिलकर रेप किया है। रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया है। आप मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये नज़ारा आपको दिखाएं। ये वो गुफा है जहाँ पे बच्ची की लाश को फेंका गया था और फेंकने के बाद वो लाश काफ़ी टाइम पड़ी रही, जिसकी सूचना सुबह पुलिस को मिलती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर पुलिस उस लाश को उठाती है और उसके बाद पूछताछ जारी है। अभी फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम जस्टिन आ रहा है और वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं कि चुनाव पुलिस ने यहाँ कहा कि जब से यह हादसा हुआ है इस हादसे में भोपाल की जो जनता है, भोपाल की जो बच्ची है उनको दहशत में डाल दिया है और उसके बाद पुलिस ने यहाँ तैनात है और पुलिस जो भोपाल पुलिस है उसका दावा है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अन्य कोई आरोपी भी अगर इसमें है मौजूद तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरामैन राज के साथ ऋषान मजीद, NUTV भोपाल। एक भी छूटना नहीं चाहिए, सुन लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम खून कर देंगे साले सबको थाने में। राजधानी भोपाल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। 8वीं की छात्रा के साथ यहाँ पर हनुमान की टेकरी पे रेप होता है, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। भोपाल पुलिस को शर्मसार कर देने वाली ये हरकत, अभी तक कोई आरोपी यहाँ पकड़ाया नहीं गया। फिलहाल जिस आरोपी को पकड़ा है उसके माँ बाप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़का जो था लड़की को ढूंढने के लिए हनुमान की टेकरी आया था, पुलिस ने उसको बिठा लिया है। अभी तक इस जो मुख्य आरोपी हैं, जो सही आरोपी हैं, पुलिस कैसे नहीं चढ़े और अभी तक पुलिस इसके मामले के लिए बोलने में मना कर रही है, पुलिस कैमरे के सामने नहीं आ रही है। देखना ये होगा कब तक पुलिस इसका सही खुलासा करती है। कैमरामैन राज के साथ ऋषान मजीद, NUTV न्यूज़ भोपाल।